अपने घर में आके कितना मस्त लगता है मम्मी, लग रहा है ना अच्छा। बैठ बैठ बैठो ना बैठो। वैसे एक बात तो यहाँ भाभी, आप खुद भी अपग्रेड नहीं हुई और आपने घर को भी अपग्रेड नहीं किया, जैसा का वैसा ही है घर। हाँ जैसा का वैसा ही है, और आप भी वैसे की वैसे ही हो। तुम हो गई हो ना अपग्रेड, बस मेरी चिंता मत करो। क्या है अपग्रेड होने के बाद लड़का लड़की में फर्क ही नहीं समझता। भाभी जैसे आप शादी करके घर में आई थी वैसे ही हो, कोई बदलाव नहीं देखा मुझे आप में। तुम्हारी भी कहाँ आदत गई है, तुम भी जैसे कि वैसे ही हो। मम्मी आपने मेंटेन काफ़ी अच्छा किया है, लगती नहीं आप इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हो। थैंक यू, तुझे तो पता है मेरी ब्यूटी का कमाल। आपके गुण पापा को भी लग गए हैं, पापा आप कुछ ज़्यादा ही जवान दिख रहे हो। बस बस बहुत तारीफ मत कर मेरी। पता नहीं मुझे भैया इतने बूढ़े क्यों नजर आ रहे हैं, शायद भाभी की वजह से। कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। मामी मुझे बहुत प्यास लग रही है। बहू अब क्या तू यहीं पे खड़ी रहेगी, पानी चाय कुछ पूछेगी या नहीं? हाँ पानी लाती हूँ मैं, ये लो पानी। भाभी थैंक यू सो मच। एग्जाम कैसे गए? क्या भाभी आप मुझे पानी भी नहीं पीने दे रही हो, आते सवाल पे सवाल। मम्मी मुझे पानी ही नहीं पीना। सॉरी गलत टाइम पे पूछ लिया, पानी पी लो तुम, पानी पी लो। इंसान थोड़ी देर आके बैठता है, उसको आते ही आप सवाल पूछ रहे हो, ये कैसा रहा वो कैसा रहा। मैनर्स नाम का चीज नहीं इसके अंदर, यहाँ पे क्या कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है जो सवाल पे सवाल किए जा रही है। जरा शांत बैठना, कितनी दूर से आई है वो। आगो भाई अभी मैंने ऐसा क्या बोल दिया, बस एग्जाम का पूछा मैंने, माफ करना मुझे। पियो ना पानी पियो। रहने दीजिए भाभी, बात मत कीजिए, आपकी आदत ये है पहले से, आप पंचायत करती रहती हो और कुछ काम नहीं है भाभी को, बस पंचायत आती है इनको। बेटा पानी पियो भी, बेटा ऐसा नहीं करते, पानी तो पी ले। मामी मैं पानी नहीं पियूंगी, नहीं पीना है मुझे पानी। शीला नौटंकी बंद करना। आप तो बोलो ही मत भैया, आप भी भाभी जैसे हो। बेटा पी पानी ऐसा नहीं होता। नहीं मामी। चल दे मैं पीती हूँ, ये लो। जरूर तुझे एकदम मुश्किल गए होंगे इसलिए मिर्ची लग रही है तुझे। क्या बोला भाई आपने, बहुत अच्छे एग्जाम गए मेरे, पर आपसे तो अच्छी स्टूडेंट हूँ मैं, इसलिए जापान में पढ़ती हूँ। हाँ तो वहीं पे रहती ना, वापस क्यों आई? मामी देखो ना भैया को। ए नानी के मगरमच्छ, 6 सालों बाद आई है ना वो, आते ही तेरा शुरू हो गया झगड़ा करना, उसके बाद दिल पे मत ले, तुझे तो पता है वो कैसा है। बुआ मुझे आपका हेयर कट बहुत अच्छा लगा। रियली थैंक यू सो मच। बुरा मत मानना शीला, पर तुम्हारे पहले जो घुंघराले बाल थे ना वो काफी अच्छे थे। भाभी आप किस जमाने में जीती हो मुझे नहीं पता, ये 90s नहीं चल रहा। वैसे भी आपको देख के 90s की याद आ जाती है, क्या करें, बट दिस इज कितना सेंचुरी मामी, 21st century। या तो उसके हिसाब से मैं जी रही हूँ, आप किस हिसाब से जी रहे हो आपको पता। एनीवे बच्चों मैंने आपके लिए चॉकलेट्स लाए हैं, ये लो चॉकलेट। थैंक यू सो मच बुआ। जापान के यहाँ जापान चॉकलेट। चॉकलेट थैंक यू सो मच बुआ। मिल गए ना चॉकलेट दोनों को, अब निकलो अपने अपने कमरों में। मम्मी बात करनी है हमें बुआ से। हाँ मम्मी हमको बात करनी है और बुआ से। बात ही करनी है ना, अब आ गई है वो यहाँ पे, यहीं पे रहेंगी। आपके पेट में क्यों दुख रहा है भाभी, मेरे साथ बात करनी है तो करने दीजिए। उनको जरा फ्रेश होने दो, बाद में बात करना। बुआ फ्रेश हो जाइए, हम रात को बात करेंगे। बाय बच्चों। चलो अभी तुम अपनी बातें कंटिन्यू करो सब, मैं मंदिर जाके आता हूँ। अरे क्या आज आपकी बेटी आई है, कम से कम आज के दिन तो फैमिली के साथ बिताइए, जब देखो तब मंदिर जाते हैं। डैडी आप सच में जा रहे हो? हाँ तुमको तो पता है हमारे खानदान के वसूल कितने कठोर है और मैं उसका हमेशा पालन करता हूँ। आपके वसूल तब का गए थे जब आपने मामी से लव मैरिज किया। आज ही आई हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे से ऐसी बात नहीं करने का। सॉरी सॉरी अभी आज ही आई है ना वो, ऐसा नहीं करते। तेरे पापा की जैसे जैसे उम्र डल रही है वैसे वैसे और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जरा बच के रहना। शीला तुम भी आराम करो, तुम्हारा वो जेठलाल हो गया होगा ना। व्हाट? वो फ्लाइट में होता है ना, वो हम ज्यादा दूर से अगर आते तो होता है, क्या कहते हैं उसको, जेठलाल।
वो जेट लैग होता है, लैग। देखते, तुम भी अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने तेरे लिए पनीर पकौड़ा और चीज सैंडविच किया है। हाँ मामी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। हेलो, नमस्ते, वो श्रेया की दादी घर पे है? वन सेकंड। कौन आया है? अरे मिस ब्यूटीफुल। हेलो श्रेया की दादी। बहुत अच्छे समय पे आई है, मैं अभी तुम्हें बुलाने वाली थी, शीला से मिलवाना था, ये मेरी बेटी शीला। अच्छा, तो ये है श्रेया की बुआ, आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू। बाहर ही क्या खड़ी है, अंदर आ। जी हाँ। बैठो ना, बैठो, बैठ शीला। शीला ये शर्वरी, शर्वरी ये शीला। इसी की कमी थी। मैंने तुझे बताया था ना, ये शर्वरी के बारे में बहुत सुंदर है एंड ऑल दैट। या मामी, मुझे पता है, आपने मुझे इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। जब जब मामी कॉल करती थी, आपका नाम लेती थी, आपकी तारीफ करती थी। सच में आप बहुत अच्छी और शर्वरी आंटी। माफ कीजिए, मैं कोई आंटी नहीं हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आओ, आई एम सॉरी, बट तुमने जो गेटअप लिया है, लाइक सारी इतनी बड़ी बिंदी, ओ माय माय माय। क्यों, हर लड़की की अपनी अलग चॉइस होती है, जैसे आपकी है, मेरी है। उसकी है वैसी पसंद, हर किसी की अलग होती है। क्या बात है शीला, ऐसे ऐसे। ओके, आई एम अगेन सॉरी शर्वरी आंटी। ये क्या बदतमीजी है, मैंने पहले भी बोला है मुझे आंटी मत बोलिए, मैं कोई आंटी नहीं हूँ। ए शीला, तुझे पता भी है तू किसके मुंह लग रही है, सॉरी बोल उनसे। भैया आप चुप बैठो, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, कोई बात नहीं कर रहा, आप क्यों बीच में आ रहे हो। ए शीला। मम्मी, मिस ब्यूटीफुल वो जरा है अतरंगी टाइप की। मम्मी, आपने तो मुझे फोन पे बहुत तारीफ करके बताया था शर्वरी बहुत अच्छी है, पर इसके अंदर तो जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। किसी का मजाक उड़ाने को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं कहते। और रियली, तो तुम ही मुझे बताओ किसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। शर्वरी जी माफ कर दीजिए, श्रेया की दादी मैं आती हूँ। मिस ब्यूटीफुल, क्यों भागती हो, बैठो। गुस्सा हो गई ना वो, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है वो। ओवर स्मार्ट वो नहीं, तू है बॉयकट। शट अप भैया, दिस इज नॉट बॉयकट, ओके। शर्वरी जी, शर्वरी जी, आई एम रियली सॉरी, वो क्या ये छोटी है ना मुझसे, अभी नादान है वो, उसका बचपना गया नहीं, माफ कीजिए उसे। कोई बात नहीं श्रेया के पापा, आपकी बहन अभी नादान है, इसलिए मैं उसको माफ कर देती हूँ। नादान मैं नहीं, तुम हो नादान, वो भी महा नादान, ओके। मेरे ऊपर कुछ भी एलिगेशन मत लगाओ। शीला तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, शांत बैठ, जरा छोटी है तू, वो तुझसे बड़ी है, समझी ना, बड़ी हो ना या छोटी। भैया चुप बैठो ना आप, अंदर जाओ, दिस इज गर्ल मैटर, व्हाई आर एंटरिंग। क्योंकि मैं भी गर्ल हूँ। ओ कुछ भी क्या बोल रहे हो। भाभी बराबर ही बोल रही थी, आपको कुछ नहीं आता, बस सोसाइटी में फुदकती रहती हो आप। शर्मिला जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम, भाभी बराबर ही बोल रही थी, आज मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया। ये देखो शीला। शर्वरी छोड़ो ना, ऊपर आ जाओ। कौन बोला? हुई थी फुसका, फुसका सारा मूड खराब कर दिया। क्या कर दिया शीला, क्या कर दिया शीला। दिवाली के पहले ही सोसाइटी में धमाका हो गया, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। शीला शीला, क्या दिखाई है तूने अपनी लीला, शर्वरी का मुंह हो गया लाल पीला। सच में तुम्हारी ननद को मान गई मैं शर्मिला।